आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो उसके एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला एमसीक्यूएस है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूएस है वो है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन एन एटम इज रिलेटेड टू स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या नन ऑफ दीज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमारा जो सेकंड एमसीक्यूएस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो उसमें जो सबसे लीस्ट बॉन्ड एनर्जी है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, सबसे लीस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है। तो हमारा जो थर्ड एमसीक्यूएस है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड एमसीक्यूएस है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन 1,2 ब्यूटाडाइईन इज, कहता है कि कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन एटम्स की इन 1,2 ब्यूटाडाइन में वो कितनी होती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई sp2 sp3 sp, इसमें 1,2 ब्यूटाडाइन की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जो हमारा वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट्स इन ए लीनियर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें इसमें कौन सा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो लीनियर शो करती है। तो जो sp है वो लीनियर हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। पांचवा जो हमारा एमसीक्यूएस है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो जो सबसे छोटी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो होती है CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो बी हमारा राइट आंसर है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। तो जो हमारा छठा एमसीक्यूएस है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा बॉन्ड एंगल ऑर्डर सही नहीं है। तो वो वाटर, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट नहीं है, बाकी सारे हमारे करेक्ट ऑप्शन हैं। बात करते हैं एमसीक्यूएस सेवेंथ की। तो उसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। तो जो हमारा बी ऑप्शन है क्लोरीन कार्बन क्लोरीन ग्रेटर देन कार्बन ब्रोमीन ग्रेटर देन कार्बन आयोडीन, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग आंसर्स हैं। तो जो हमारा एट एमसीक्यूएस है वो जो द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट। तो जो नाइट्रोफिनोल है उसकी डाइपोल मोमेंट मीथेन क्लोरोफॉर्म और टोलिन से ज़्यादा होती है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। नंबर नाइन्थ जो हमारा एमसीक्यूएस है, an induction of dipole or polarity in nonpolar bond and consequent electron shifting along a chain of atom is known as inductive effect, ठीक है। dipole moment or polarity in nonpolar bond and consequent electron shifting जो होती है वो inductive effect कहलाता है। तो हमारा जो option A है वो right answer। inductive effect can be used to explain, number जो हमारा 10th MCQS है कहता है इंडक्टिव अफेक्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो ये जो सब के लिए ये यूज़ होता है, सब के जो एक्सप्लेनेशन के लिए इंडक्टिव अफेक्ट यूज़ होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक के एमसीक्यूज़ चाहिए वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ वो एमसीक्यूज़ शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।